दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 16,000 का अमाउंट सक्सेसफुली जो है डिसबर्स हो चुका है। ये जो भी है येलो कलर का लिखा हुआ, इसलिए सही से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, हैज़ बीन डिसबर्स सक्सेसफुली टू योर बैंक अकाउंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव। समरी आप लोग देख सकते हो, 18,000 का लोन यहाँ पर, 16,000 का लोन देखने को मिल रहा है 12 महीने के लिए, और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना क्या है, कितना वापस देना होगा, आप लोग लाइव दिख पा रहे हो, ठीक है। इसका जो भी है, थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं कम कर देता हूँ ताकि सही से दिख सके। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो भी सक्सेस 16,000 का अमाउंट डिसबर्समेंट हुआ है, अब कितने सिविल पर ये डिसबर्समेंट हुआ है, 570 का सिविल था, जो भी सब्सक्राइबर दोस्त का अप्रूवल करवाए हैं उनका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट अदर्स नहीं था, पैन कार्ड आधार कार्ड था, उससे भी इनको लोन मिला है। यहाँ पर लाइव में दिखाने वाला कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लोग बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप लोगों को लोन नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है। तो अगर मानो आप लोगों को लोन लेना है, तो आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से लोन लेना है, आप अगर स्टूडेंट्स हो तो आप लोग लोन ले सकते हो, सैलरीड हो तो आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट तो लगता नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मानो आप सच में कोई सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू आप लोग लेना चाहते हो, वहाँ पर ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। सारा कुछ मैं प्रोसेस बता दूंगा वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सिविल कितना लगने वाला है, सारा कुछ जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और कितना लोन आपको डिसबर्समेंट होने वाला है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक ऐसा लोन एप्लीकेशन लाया हूं जहां पर लाइव एक सब्सक्राइबर दोस्त का लोन अप्रूवल करवा कर दिए हैं। 570 का जो है सिविल है, 16,000 का यहां पर अप्रूवल मिला है। लाइव में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, 16,000 का यहां पर जो भी अप्रूवल मिल रहा है, कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, NBFC है। अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो इस लोन एप्लीकेशन से आप लोग अप्लाई जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं कि एक ऐसा लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, 570 जो है आसपास यहां पर सिविल है। लाइव में दिखाऊंगा, 570 ही सिविल है यहां पर। जो एप्लीकेशन है वो खुद जो है उसका सिविल वहां पर वेरीफाई करके 570 दिया है, और उस 570 में ये लोन अप्रूवल होकर आया है, उनका पैसा जो है डिसबर्समेंट भी हो चुका है। ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है, कहां से मिलने वाला है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों को फास्ट टू एंड तक आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को स्किप बिना करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर आप मिस करते हो तो आप लोगों को लोन रिजेक्शन भी मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सक्सेस 16,000 का अमाउंट यहां पर जो हैज़ बीन डिसबर्स सक्सेसफुली टू योर बैंक अकाउंट, कांग्रेचुलेशंस, लोन हैज़ बीन, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड। समरी आप लोग देख सकते हो, यहां पर जो है 16,000 का लोन यहां पर अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, 10 ईयर 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए लोन मिला है, 1500 का जो है यहां पर 1500 के आसपास जो है यहां पर ईएमआई बन रहा है, ये इंटरेस्ट जो है कितना देना पड़ रहा है, ये रिपेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 18,500 के आसपास जो यहां पर आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोन एप्लीकेशन जो है ये कैसे आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, वो आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। ये जो भी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर है, 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूं, ये लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर क्या क्या रेटिंग्स वगैरह कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 4.1 का रेटिंग्स है प्ले स्टोर पर, ठीक है। अब 4.1 का रेटिंग्स मतलब अच्छा एप्लीकेशन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुका है, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हुआ है तो कितने सारे लोगों को मिला है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अबाउट एप्लीकेशन में चलते हैं। अबाउट एप्लीकेशन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बोला गया है। कॉलेज स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सैलरीड हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सैलरीड हो तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है आपके पास तो चलेगा, आधार कार्ड फॉर KYC लेगा, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरीड के लिए क्या बोला जा रहा है, आपका जो भी है मिनिमम जो है 15,000 का सैलरी पर मंथ का हिसाब से होना चाहिए, जो भी सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होना चाहिए, लेटेस्ट पे स्लिप सैलरी वहां पर आपको आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC जो भी है वो लोग लगेगा। अब जब भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने फोन पर, इंस्टॉल करने के बाद जो पहला इंटरफेस आएगा, गेट इंस्टेंट अप्रूवल, ठीक है। यहां पर जो भी है नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर जो भी एंटर करेंगे वो आपको आधार कार्ड का जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर को आपको डालना पड़ेगा। गेट OTP करोगे तो OTP आएगा, जैसे OTP आएगा नेक्स्ट पेज में आप लोगों को परमिशंस मांगा जा रहा है, जो कि लोकेशन और फोन, उससे ज्यादा कुछ भी लेगा नहीं, तो एक्सेप्ट करिएगा। एक्सेप्ट जैसे करेंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है अलाउ कर रहा है, अलाउ करना पड़ेगा, डोंट अलाउ मत करिएगा, नहीं तो लोन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है चूज योर करेंट प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है वो आप चूज करो,
आपका यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन है, सैलरेट का है और बिजनेस का है। बिजनेस आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि बिजनेस अप्रूवल होने वाला नहीं है, ठीक है, मैंने ट्राई किया था। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट और सैलरीड अगर हो तो सैलरीड के बेसिस में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स अगर हो तो आप लोग डाल सकते हो, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रूफ नहीं है, बस आपका स्टूडेंट का आईडी कार्ड वहाँ पर ले सकता है, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला नहीं है एक्स्ट्रा। अब सैलरीड जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है सैलरीड वाले को क्या क्या देना पड़ेगा। पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, बैंक का डिटेल्स देना पड़ेगा, 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉई आईडी देना पड़ेगा। इतना सारा कुछ देता नहीं है, यहाँ पर लगता नहीं है, मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, देखो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कंटिन्यू जैसे करोगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहला वेरिफिकेशन जो है योर पैन कार्ड, तो एज पर योर पैन कार्ड यहाँ पर नंबर आपको डालना पड़ेगा और पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करिएगा। जैसे ही कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक सब्सक्राइबर दोस्त का लाइव मैंने यहाँ पर अप्रूवल करवाए थे, उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर का नेम, जेंडर और पर्सनल ईमेल आईडी, ये आपको एक एक करके फिल करना होगा, ठीक है। जो भी है सही तरीके से आप लोग फिल करिएगा। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डालोगे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप लोगों को वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही दोगे उसके बाद जो है चेक क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप चेक करोगे तो इस तरीके का आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ कि उसका जो भी है 570 का सिबिल था और इनको जो है लोन कितना एलिजिबल हुआ है, 1 लाख का लोन यहाँ पर एलिजिबल हुआ है, ठीक है। आप लोग लाइव देख पा रहे हो यहाँ पर। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आप लोग देख सकते हो वो यहाँ पर जो है बोला है यू हैव अनलॉक टैक्सेस टू 1 लाख कैपिटल, विदड्रॉ नाउ पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछा जा रहा है। बैंक अकाउंट का डिटेल्स में यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है, IFSC कोड देना पड़ेगा, अकाउंट का नंबर देना पड़ेगा, बैंक का नाम देना पड़ेगा और कौन से ब्रांच है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बैंक में जाके पूछ सकते हो या फिर जो भी है आप लोगों का पासबुक में ये सब जो है डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करते आप लोगों को नेक्स्ट पेज में आएगा जहां पर सैलरी अकाउंट डिटेल्स पूछा जा रहा है, जो कि यहां पर बोल रहा है फ्रॉम RBI लाइसेंस्ड अकाउंट एग्रीगेटर। बस इसको क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही करोगे नेक्स्ट पेज में जाएगा, बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करेगा, आपका सारा जो है डिटेल्स दिख रहा है और यहाँ पर OTP आएगा, उस OTP को देना पड़ेगा जो भी मोबाइल नंबर से बैंक जो है लिंक्ड है, ठीक है, उसमें OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा और बैंक का जो है यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे प्रोसीड करोगे नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है बैंक का सब कुछ डिटेल्स आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, अप्रूव करवाना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद आप लोग देख सकते हो योर वेरीफिकेशन इज इन प्रोसेस, वेरीफिकेशन जो है वो प्रोसेस में चला गया है। प्लीज डू नॉट प्रेस बैक और क्लोज, कोई भी कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा 100% जो है क्लोज होने मतलब कंप्लीट होने दीजिएगा। ऑटोमेटिक जो है आपका जो है रेसिडेंशियल एड्रेस का जो है यहाँ पर फील्ड आ जाएगा, यहाँ पर फिलअप किया हुआ इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आपका सिटी कहाँ पर है, लोकेशन, एड्रेस, एरिया, लैंडमार्क जो भी है आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे सिलेक्ट करोगे सेव करना है, सेव करते ही यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अनलॉक्ड 16,000 का जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, 16,000 का जो है आप लोगों को लोन मिल रहा है 570 में, ठीक है। विड्रो नाउ जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर जो है बोला जा रहा है यू अंडर क्रेडिट मैनेजर रिव्यू, वी ट्राई टू गिव यू अ डिसीजन विद इन 24 आवर्स, तो आप लोगों को 24 घंटे का टाइम मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बता दूं आधा घंटे के अंदर जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट पर डिसबर्समेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है जैप मनी पर्सनल लोन ऐप, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 16,000 का 570 में मिला है, तो आप लोगों का सिविल अगर और अच्छा है तो आप लोगों को और ज़्यादा मिलेगा, अगर कम है तो आप लोगों को कम भी मिल सकता है अमाउंट, ठीक है। आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 570 है या फिर उससे ऊपर है तो आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का अगर देख रहे हो जो भी देखे हो वीडियो का जो भी प्रोसेस लोन अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग अप्लाई करते हो और आप लोगों को लोन मिलता है तो वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको लोन मिला है या फिर नहीं मिला है, कितना लोन मिला है, सब कुछ आप लोग जरूर बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।